हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी इमली की चटनी है। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम इमली को ठंडे पानी में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया भिगोकर। अब अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए इसको है ना भिगो कर छोड़ दें। अगर आपके पास वो भी टाइम नहीं है तो आप इसको है ना एक बॉयल आने तक अच्छे से बॉयल कर ले और तब आपकी इमली है ना अच्छे से है ना फूल जाएगी। आप देख सकते हो हमारी इमली अच्छे से फूल चुकी थी। इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और अच्छे से है ना पीस लेंगे। बहुत लोग हाथों से इसको मैश करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इमली बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। हमें है ना इमली को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब आप देख सकते हो हमारी ऑलमोस्ट है ना इमली अच्छे से पिस चुकी है और इसमें बहुत सारी जो इमली की रेशाएं हैं वो बची हुई है। तो इसको क्या करना है, हमें अच्छे से छन्नी में छान लेना है। अब आप इस तरीके की कोई छन्नी ले लें और इसको है ना अच्छे से छान लें। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से छान लेंगे। अब आप देख सकते हो थोड़ी बहुत इमली अभी भी बची है। तो इसको क्या करेंगे, मिक्सी जार में थोड़ी पानी बची है तो हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो इमली के पल्प की थिकनेस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी और ये भी अच्छे से है ना छन जाएगा। अब इसकी रेशाएं बाहर आ चुकी है, इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे और हमारी इमली की पल्प रेडी है। पैन गरम करेंगे, इसमें तेल डालेंगे, तेल गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगी तो इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, इसको अच्छे से भून लेंगे। आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, ये अच्छे से हमें इसे पकाना है। इसके बाद सारे इमली के पल्प हम इसमें डाल देंगे। और इसको हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाना है। इसके बाद हम इसमें है ना गुड़ डालेंगे। गुड़ को हल्का सा मैंने है ना क्रश करके ऑलरेडी रख रखा था तो अब मैं इसमें है ना गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ जब तक घुलेगी तो बाकी चीजें मैं इसमें है ना मिला देती हूँ। लाइक आधा चम्मच हम है ना इसमें काला नमक, आधा चम्मच सूखी लाल मिर्च डालेंगे। चम्मच नॉर्मल नमक डालेंगे हम। और गुड़ और हमें है ना इमली के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें चीनी भी मिलाना है तो आप 2 से 3 चम्मच चीनी इसमें मिला लें। और इसके अलावा आप जीरा पाउडर, शॉट पाउडर और सौंफ पाउडर, ये तीनों भी मिला सकते हो। मैंने इसमें नहीं मिलाया, इससे आपका जो फ्लेवर है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। आपको इसको है ना 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो ये ऑलमोस्ट हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। इस चटनी को आप समोसे के साथ, चाट के साथ, भेल के साथ, दही बड़े के साथ खा सकते हो। मैंने बेसिकली समोसे के साथ खाने के लिए इसको बनाया था। अगर आपको समोसे की रेसिपी चाहिए तो मैंने है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और इमली की चटनी आप देख सकते हो कितनी ही मज़ेदार बनी है और कितना टेस्टी लग रहा है। इसका कलर भी आप देख सकते हो, कलर टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ।